हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं न्यू मिराज टेक्निकल। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बताए थे कि हमारा वॉच टाइम सब्सक्राइबर दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो आज कंप्लीट होने के बाद हमने आज डिसाइड किया कि आज हम अपना चैनल अब मोनेटाइज के ओर ले जाते हैं और मोनेटाइजेशन अप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है से हम मोनेटाइजेशन अप्लाई के लिए रेडी हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहें और देखें कि हम अपना चैनल को कैसे मोनेटाइज करते हैं। बहुत सारे नए यूट्यूबर जो है से नया चैनल को मोनेटाइज करने के लिए बहुत सा टेंशन रहता है, कैसे करें कैसे ना करें। तो फ्रेंड्स, आप आइए, आपको हम अपना तजुर्बा जो भी है अपना वो आपको बताने वाले हैं कि घबराए नहीं, क्योंकि कोई भी काम इंसान अगर चाह जाए तो हो सकता है, पर कोशिश करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। तो सो अब हम फाइनली आपको अपना सिस्टम की ओर चलते हैं और वहां से मोनेटाइज अप्लाई के लिए प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको डिटेल हम बताने वाले हैं कि कैसे प्रोसेस है और जो भी उनका प्रोसेस है टोटल आपको इस वीडियो में कवर करके बताएंगे। आपको फिर कभी भी मोनेटाइज के लिए टेंशन नहीं लेना है, लेना पड़ेगा कि मोनेटाइज कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो में बताते हैं ऐसे है वैसे। हम आपको सिंपल तरीका में मोनेटाइज के लिए बता रहे हैं। आइए इस वीडियो में बने रहें और जो हमारे चैनल में जो नए हैं फ्रेंड्स, तो उस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग का ही देन है कि आज हम जो है से हमारा 1K सब्सक्राइबर प्लस 4K वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आप लोग हम मुझे प्यार देते रहे और दिए हैं देते रहे, और जो हमारे चैनल में है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए इस वीडियो में आपको आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट दिखाते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आइए आपको पीसी में बताते हैं कि मोनेटाइज कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इस वीडियो में बने रहें और देखें कैसे आपको डिटेल बाय स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं डिटेल में पूरा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चैनल मोनेटाइज करने के लिए गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, और इसके बाद सबसे पहले आप देख ले कि जो जिस आईडी से आपका चैनल है वही आईडी लॉगिन है या फिर दूसरा। इसके बाद इसमें यूट्यूब खोल लेना है, फिर इसके बाद जाना है अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करना है। इसके बाद यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद लेफ्ट साइड में अर्न का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पे है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट देख रहे हैं स्टेप 1, इस पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, और इसके बाद स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। स्क्रॉल नीचे करते हैं तो यहाँ पे स्टेप 1 में कुछ नहीं करना है, बस आई एक्सेप्ट द बैज टर्म्स पे यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये पहला स्टेप ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा, बस कुछ वेट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसमें अब आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला स्टेप है कि डन हो चुका है। अब आते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है, और इसके बाद
यहाँ पे आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि तीन तरह के देखने को मिलेगा। पहला है यस आई हैव एन एक्सिस्टिंग अकाउंट, और दूसरा फिर तीसरा, अगर पहले से आपका गूगल एडसेंस बना हुआ है तो फर्स्ट पे क्लिक करना है, अगर आपका कोई गूगल एडसेंस नहीं बना हुआ है तो नो पे क्लिक करना है। तो इस भाई का गूगल एडसेंस नहीं बना है अभी तक, तो यहाँ हम नो पे क्लिक करते हैं। सेकंड पे, यहाँ सेकंड पे क्लिक करने के बाद आते हैं कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो देख सकते हैं इसके बाद इस तरह इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो देख रहे हैं आपका आईडी जो है शो हो जाएगा, और जो आईडी से आपको लॉगिन करना है मतलब गूगल एडसेंस बनाना है उसी पे आपको क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक हो चुका है, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में ही रीडायरेक्ट कर देगा। याद रहे कि अपने से करने का प्रयास न करें। आप लोग देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली बैक कर दिया है। तो स्टेप टू अभी नोट स्टार्ट लिख रहा है, तो ये इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। और इन प्रोग्रेस में आप लोग देख सकते हैं कि इन प्रोग्रेस में चला गया है, तो ये कुछ टाइम लेगा, हो सकता है 24 घंटा 48 घंटा या फिर हार्डली शार्डली एक सप्ताह भी ले सकता है टाइम इन प्रोग्रेस कंप्लीट होने में। तो जब स्टेप टू डन हो जाएगा तो स्टेप थ्री है कि आपको करने कुछ ज़रूरत नहीं है, बस ऑटोमेटिकली ये इन प्रोग्रेस में चला जाएगा और 24 से 48 घंटे के अंदर ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर नी मिराज टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, देखे हमने नया गूगल एक्सचेंज जो है वही अकाउंट से बना करके और हमने अप्लाई कर दिया। ऐसे बेहतर होता है कि आप नया भी अकाउंट बना करके गूगल एक्सचेंज बनाकर अप्लाई कर सकते हैं, मगर हमने जो है से वही जो आईडी से चैनल जो चैनल में आईडी था वही आईडी से हमने गूगल एक्सचेंज बनाया और गूगल एक्सचेंज बनाने के बाद उसमें अप्लाई कर दिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ अगर आप लोगों को कभी दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। और कभी भी कोई काम करने से पहले कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि नया नया जो यूट्यूबर लोग होते हैं बहुत अकबका जाते हैं। एकदम आराम से तसल्ली से काम लीजिए, आपको टोटल काम होगा। घबराने से काम खराब होता है, बनता नहीं है। तो कोई भी काम आप करें आराम से करें, सोच के करें एकदम। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो हमारे चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सारा आपने जो प्यार दिया है आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम मुझे सपोर्ट करते रहें और हर छोटा मोटा यूट्यूबर को हौसला बढ़ाएं, इसलिए कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो बेहतर है कमाए, अपने घर परिवार को चलाए। तो बस सो फ्रेंड्स, इतना ही इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे।